तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों वर्क डन जो है एक पाथ डिपेंडिंग प्रॉपर्टी है। तो अगर आप ऊपर वाला ग्राफ देखो तो आपको वहाँ पे तीन पाथ दिखेंगे जो ए टू सी जा रहे हैं। ए बी सी एक पाथ है, दूसरा पाथ है ए टू सी, और तीसरा पाथ है ए डी सी। ठीक है, तो अगर आप ऐसे ट्रैवल करोगे ए बी सी से, तो ए टू बी आपका जो वर्क डन होने वाला है वो होगा 48, और बी टू सी कुछ वर्क डन नहीं होने वाला। और अगर आप जाओगे ए टू सी में, तो ए टू सी में आपका वर्क डन होगा पहले एक ट्राइंगल का एरिया और नीचे का रेक्टेंगल, तो दोनों का मिला के आपको मिलेगा 30। ठीक है, और अगर आप जाओगे ए डी सी में, तो आपका पहले ए टू डी में कुछ काम नहीं होगा और डी टू सी में आपका काम होगा 12 जूल का। ठीक है, या फिर जो भी यूनिट है वो, तो आपका देख रहे हो आप जो मैग्नीट्यूड है वो वेरी कर रहा है अगर आप प्रोसेस चेंज कर रहे हो। तो इसलिए वर्क डन को बोलते हैं पाथ डिपेंडेंट। ठीक है, तो दैट्स डन। और नेक्स्ट वीडियो में एक की बात करेंगे, क्यों वो एक पाथ डिपेंडिंग प्रॉपर्टी है। सो दैट्स डन और